today we are going to discuss about a very important gland of our body that is called adrenal gland and as you can see on your screen that there is a diagram given here and this is the kidney you all recognize and this is a cap like structure that is called adrenal gland so that you can understand that we have a pair of kidney in our body so there is a one pair of adrenal gland in the top of the किडनी uh, जैसे कि आप ये देख रहे हो ये टॉप पर तो दिस इज द एडिनल ग्लैंड एंड दिस एडिनल ग्लैंड सपोज मैं इसको रिमूव कर लूँ इतने पोर्शन को दिस एडिनल ग्लैंड को तो दिस इज द रिमूव पोर्शन ऑफ एडिनल ग्लैंड फ्रॉम किडनी एंड वी कट इट लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन अगर उसका हम लेते हैं देन यू कैन एबल टू सी दैट दिस ग्लैंड इज डिवाइडेड इंटू टू पार्ट्स टू पार्ट्स में डिवाइडेड है वन इज कॉल्ड एज कॉल्टेक्स दिस वन ये जो रीजन आपको दिख रहा है बॉर्डर आपको दिख रहा है ऐसे करके दिस इज कॉल्ड टेक्स एंड्रल पार्ट दैट इज ये वाला जो टोटल एरिया है दैट इज कॉल्ड एडिनल मेडुलॉर मिडिल एम फॉर मेडुलव टू रिमेम्बर ऑलवेज दैट द टिश्यू विच इज़ प्रजेंट इन टेंटर इज कॉल्ड एडिनल मेडोला एंड द आउटसाइड पेरीफरी वाला जो एरिया है दिस एरिया दिस इज कॉल्ड द कॉरटेक्स एरिया तो बेसिकली यू कैन सेट एडीनल ग्रैंड इज डिडेड इन टू टू पार्ट सेंट्रल पार्ट इज नोन एज मेडोला वेयर एज पेरीफल पार्ट इज नोन एज कार्टेक्स तो एडोनल मेडुला एंड एडिनल कॉर्टेक्स बोथ सिक्रीट्स डिफरेंट काइंड्स ऑफ हारमोनस एंड बिफोर वी डिस्कस द काइंड ऑफ हारमोन आई वुड लाइक टू टेल यू दैट एडिनल कॉर्टेक्स दैट मीन्स दिस वन दिस लेयर दिस इज इट इज मेड अप ऑफ थ्री लेयर्स ये तीन लेयर से मिल करके बनी है दैट इज जोना रेटिकुलेरिस जोना फैसिकुलेटा एंड जोना ग्लोमेरुलोसा दिज आर द नेम ऑफ थ्री लेयर्स Uh, from which this uh, adrenal cortex from, part is made up of and now we come to the hormones so adrenal cortex and medulla they both secrete different kinds of hormone as with the help of a flow chart you can easily see it here i have made a flow chart for you here it is given that adrenal cortex uh, that means outside part or you can say outer part of the uh, adrenal gland it secretes three kinds of

इट सिक्रीट्स टू काइंड ऑफ अगेन हॉर्मोन वन यू हैव हर्ड द नेम एड्रीनलिन और एपीनेफ्रीन दोनों में से कोई भी एक नाम आप बोल सकते हैं एंड सेकेंड नॉर एड्रीनलिन और नॉर एपीनेफ्रीन आप भी कुछ भी नाम बोल सकते हैं एंड कॉमनली वी कॉल देम कैटेकोलामाइंस क्या बोलेंगे इसको हम कैटेकोलामाइंस दैट मीन्स कंबाइन यू कैन से दैट एडिनलिन एंड नॉन एडिनलीन इज नोन एज कॉटिकेलोमीन अगर कोई आपको बोलता है कैटिकोलमीन दैट मीन्स दे आर टॉकिंग अबाउट दिस टू हार्मोन्स एडिनोलिन एंड नॉन एडिनलिन सो नाउ वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट द वेरियस फंक्शंस ऑफ हारमोन्स विच आर सिक्रीटेड फ्राम दिस टू पार्ट सपोज वी फर्स्ट डिस्कस दारमोन विच आर सिक्रीटेड फ्राम द एडिनल कॉन्टेक्स तो उनकी हम बात करते हैं पहले तो कॉर्टिकॉइड्स आर डिवाइडेड इनटू थ्री कैटेगरीज एज आई टोल्ड यू फर्स्ट इज मिनरलो मिनरलोकॉटिकॉयड्स सेकेंड इज ग्लूकोकॉटिकॉय्स एंड थर्ड इज़ यू कैन से सेक्स कॉर्टिकॉय्स तीन तरह के हारमोन के ग्रुप्स हो गए कैटेगरीज हो गई तो जब हम इनके हारमोन्स के बारे में पढ़ेंगे तो कॉर्टेक्स के जो हारमोन्स हैं दे ऑल आर स्टीरॉयड इन नेचर स्टीरॉयड हमने पढ़ा था वेरियस काइंडस ऑफ केमिकल नेचर ऑफ द वेरियस हारमोन तो दिस इज़ स्टीरोड तो ये सारे स्टीरोयड होते हैं कॉर्टिकल हार्मोन्स जो होते हैं स्टीरोड्स यू हैव टू रिमेंबर दिस एलडियल कॉर्टिक्स के हारमोन तो फर्स्ट वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द मिनरल कॉटिकॉयड्स तो मिनरल कॉर्टिकॉइड्स आर बेसिकली अब बहुत सारे हारमोन्स हैं बच्चों इसके अंदर बट यू हैव टू रिमेंबर वन नेम दैट इज एल्डो स्टीरोन इट इज़ अ कॉमन हारमोन सो यू रिमेंबर दिस एज अ फॉर्म ऑफ एग्जाम्पल एल्डोस्टिरोन बहुत सारे हैं इसके अंदर बट मैंने आपको सिर्फ एक बताया है and uh, their secretion is stimulated by the various uh, you can say levels of sodium and etc. तो so, mineralocorticoids ka का function hota होता है it maintains मेन्टेन्स uh, the क्योंकि उसका नाम ही है मिनरल दैट मीन्स इट मेन्टेन्स द बैलेंस ऑफ मिनरल्स एंड वाटर इनको सबको वो बैलेंस करके रखते हैं जितने भी uh, इस कैटेगरी के अंदर हॉर्मोन्स आते हैं तो बेसिकली मिनरल कार्टिकॉयल्स का फंक्शन है हाई सोडियम लेवल को मेंटेन करना ब्लड में एंड लो कैल्शियम लेवल को ब्लड में मेंटेन करना एंड ये सब अपने मैकेनिज्म के थ्रू ये ऐसा काम करते हैं मेंटेन करके रखते हैं दैट्स वाई यू कॉल देम सॉल्ट रिटेनिंग हार्मोन ऑल्सो इनको हम इसलिए सॉल्ट रिटेनिंग हार्मोन कह सकते हैं रिटेन करना मीन्स बॉडी में रोक के रखना एंड यू ऑल नो दैट वाटर एंड सॉल्ट आर वेरी मच वाइटल पार्ट ऑफ द बॉडी अगर वो नहीं हो तो बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी एंड यू ऑल्सो कॉल दैम इलेक्ट्रोलाइट्स तो इलेक्ट्रोलाइट्स आप कह सकते हो कि दे रेगुलेट द बैलेंस ऑफ वाटर एंड इलेक्ट्रोलाइट इन द बॉडी बाई वेरियस फिजियोलॉजिकल मैथड्स तो वो उनको बनाते हैं एंड जब इनको मैंटेन करते हैं तो ऑबियस uh, है कि रेगुलेशन ऑफ ब्लड प्रेशर भी वो करते हैं सपोज uh, अगर प्रोडक्शन कम हो जाए दैट मीन्स अंडर प्रोडक्शन और यू कैन से डिफिशियंसी ऑफ मिनरल कॉल्टोइड अगर हो जाए बॉडी में देन दे कॉज अ डिजीज दैट इज़ कॉल्ड एडिसंस डिजीज यू हैव हर्ड द नेम ऑफ एडिसन तो उन्हीं के नाम पर पड़ गया एडिसंस डिजीज अब वो एडिसंस डिजीज हो जाती है अगर मिनरल कॉटिक्वाइट बॉडी में कम निकल रहे हैं तो वॉट हैपन्स इन दिस डिजीज इसमें क्या प्रॉब्लम होती है ब्राउज लाइक स्किन कलर हो जाता है ब्राउज आप जानते हैं तांबा वैसा स्किन का कलर हो जाता है हाइपर सॉरी uh, हाइपोनेटर्मिया हो जाता है वॉट डू मीनिंग बाई हाइपोनेटर्मिया नेटरमिया सोडियम लेवल जो कि ज़्यादा होना चाहिए वो क्या हो जाता है कम हो जाता है हाइपो हो जाता है एंड कैल्शियम जो है वो बढ़ जाता है बॉडी के अंदर तो इस तरह की चीज़ें होने से पीपल फील समटाइम डिहाइड्रेटेड नर्वस डिप्रेशन नोजिया मीन्स वॉमिटिंग की फीलिंग आना वीकनेस फटीक मीन्स थकान होना लो ब्लड प्रेशर एंड समटाइम लूज़ मोशंस डायरिया ये सारी चीज़ें जो हैं वो हो जाती हैं अगर किसी को ये डिजीज एडिसंस डिजीज हो जाती है तो तो दिस इज़ ऑल अबाउटिकॉइट्स जिसका काम क्या हुआ इलेक्ट्रोलाइट्स बैलेंस पानी का बैलेंस बॉडी के अंदर बना के रखना नाउ कम टू द ग्लूकोकॉर्टिक्वाइड्स ग्लूकोकॉर्टिक्वाइड्स इज अनदर इंपॉर्टेंट कैटेगरी क्योंकि उसका मेन जो काम है वो क्या होता है कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म को जो है वो मेंटेन करना और यू कैन से उसको रेगुलेट करना तो ग्लूकोकॉर्टिकोइड्स आर प्राइमरिली मैंट फॉर कार्बोहाइड्रेट मेटाबोलिज्म एंड इंक्रीज द ग्लूकोज लेवल इन योर ब्लड आपके ब्लड में ग्लूकोज लेवल को बनाकर रखती है देर आर सो मेनी फिजियोलॉजिकल फंक्शंस और सो मैनी फिजियोलॉजिकल एक्टिविटीज जिसके थ्रू वो इसको बनाकर रखती है एंड ऑल्सो एक्ट एज एंटी स्ट्रेस हारमोन बिकॉज इन्वायरमेंटल कंडीशन अगर ठीक से ना हो या माइक्रोबियल इन्फेक्शन हो बॉडी में तो ये रिलीज़ होते हैं हारमोन्स तो ये इनका काम है ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स का और अगर ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स का बहुत ज़्यादा सिक्रीशन हो जाता है दैन देर इज एनदर डिजीज़ दैट इज़ नोन एज कुशिंग्स सिंड्रोम ये डिजीज़ हो जाती है कुशिंग्स सिंड्रोम नॉट गिवन इन योर बुक एस वाई एन डी आर ओ एम इन सिंड्रोम एंड इसमें हाई शुगर लेवल हो जाता है बॉडी के अंदर लॉस ऑफ शुगर इन यूरिन लॉस ऑफ वेट एंड देर आर सो मेनी अम्यूनो एसड्स विच रेप्रजेंट इन बॉडी चेंज इन टू द शुगर तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ जाती हैं इसमें सॉल इन फेस नैक हैंड ये सारे में स्वेलिंग आ जाती है एंड ये क्यों होता है क्योंकि फैट डिपोजिशन हो जाता है तो इस तरह के कुछ चीज़ें हो जाती हैं नाउ कम टू द सेक्स कॉर्टिकॉइड्स वॉट इज द फंक्शन ऑफ सेक्स कार्टिकुआड्स हम इसको गोनेडो कॉर्टिकोइड्स भी बोल सकते हैं एंड इसमें एक इम्पॉर्टेंट जो है वो हॉ ज फॉर एग्जाम्पल आई फॉर गेट टू टेल यू दैट ए वन इम्पॉर्टेंट ग्लूको कार्टिकोइड्स इज दैट इज नोन एज इम्पॉर्टेंट ग्लूको कॉर्टिकोआइड्स तो बहुत सारे होते हैं बट वन मोर इम्पॉर्टेंट कॉर्टिसोल इज द नेम तो ये नाम आप याद रख लो एटलीस्ट वन फॉर एग्जाम्पल जैसे मैंने आपको मिन्डेलोकॉटिकॉइट्स में आई हैव टोल्ड यू दैट एल्डोस्टीरोन इज द मेन हारमोन याद रखेंगे इन द सेम वे ग्लूकोकॉटिकॉयट्स में कॉटिसोल इज द मेन हारमोन बहुत होते हैं बट आप एक याद रखेंगे नाउप हम डिस्कस करते हैं सेक्सकोर्टिकॉइड्स वेयर आई एम गोइंग टू टेल यू दैट दीज ऑल्सो इंक्लूड्स थ्री हारमोनस लाइक एंडोस्टिरोन एंड्रोस्टीरोन तो बहुत सारे हारमोनस होते हैं तो दीज आर सिक्रिटेड बाई द जोना रेटिकुलर इज पार्ट ऑफ एंडियल कॉर्टिक्स एंड स्मॉल अमाउंट ऑफ फीमेल सेक्स हारमोन इज ऑल्सो सिक्रिएटेड जैसे स्ट्रोजन हो गया प्रोजेस्टरॉन हो गया तो आपको पता है कि इस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टिर बोथ हार द फीमेल हारमोन एंड इफ आई एम टॉकिंग अबाउट एंडोस्टिरोन तो आपको पता है एंडोस्टिरोन इज द मेल हारमोन एंडस्टिर तो ये दोनों ही निकलते हैं इसके अंदर से एंड वॉट इज द फंक्शन ऑफ इट दिस फंक्शन इज टू स्टीमुलेट द डेवलपमेंट ऑफ सेकेंडरी सेक्शुअल कैरेक्टर्स मेल टाइप और फीमेल टाइप दोनों तो मेल टाइप्स में फॉर एग्जाम्पल वेरियस काइंड ऑफ फेशियल हेयर और डीपनिंग ऑफ वॉइस इस टाइप की चीजें हैं एंड इस टू तो जन क्योंकि फीमेल हारमोन है तो इट स्टीमुलेट देंस ऑफ फीमेल सेकेंडरी सेक्शुअल कैरेक्टर्स लाइक बिगनिंग ऑफ मैस्ट्रेशन और बेस्ट इन्ार्जमेंट इस तरह की चीज़ों को प्रमोट करते हैं सपोज ओवर सिक्रीशन अगर हो जाए सेक्स सेक्सकोर्टिकॉइड्स का तो वाट इज द प्रॉब्लम तो ओवर सिक्रीशन ऑफ सेक्स सेक्सकॉर्टिक्वाइड्स इन फीमेल कॉजिज एड्रीनल विरेलीज्मल विरलिज्म इज द नेम यू नो द सिंपल स्पेलिंग वी आर आई एल आई एस एम ये किसमें होता है इन फीमेल्स में अगर ओवर सिक्रीशन हो जाता है इन विच मेल टाइप ऑफ सेकेंडरी सेक्शुअल करैक्टर्स लाइक फेशियल हेयर और या आप कह सकते हो हैवी वॉइस एंड हैवी आर्म्स लेग्स ये सारा कुछ जो है वो फीमेल्स में हो जाता है दैट मीन्स मेल लाइक करेक्टर अपीयर्स इन टू द फीमेल्स एंड समटाइम्स ऑल्सो इट हैपन्स दैट अगर फीमेल हार्मोन्स का सिक्रीशन होता है इसी तरीके से एक्सेस uh, में तो मेल्स में फीमेल्स जैसे करैक्टर्स आ जाते हैं लाइक इन लार्जमेंट ऑफ ब्रेस्ट दैट इज कॉल्ड गाइनेको मेस्टिया गाइनी मीन समथिंग रिलेटेड टू फीमेल गायनी को मेस्टिया दैट मीन्स इन लार्ज ब्रेस्ट इन द मेल तो उसमें मेल uh, में फीमेल जैसे कैरेक्टर्स जो है आते हैं और फीमेल में मेल जैसे कैरेक्टर्स जो हैं वो आ जाते हैं तो दिस इज ऑल अबाउट द कॉर्टिकल हार्मोन्स नाउ कम टू द मेडुलेरी हार्मोस दैट मीन्स हारमोस विच आर सिक्रीटेड फ्रॉम द एडिनल मेडुला विच इज सेंट्रल पार्ट ऑफ द एडिनल ग्लैंड एंड इट सिक्रीट्स टू हार्मोन्स एज आई टोल्ड यू एडीनलिन एंड नॉर एडीनलिन एंड दीज बोथ हारमोन्स आर अमाइन हारमोन्स एंड आर डेरिवेटिव ऑफ कैटेकॉल सो दैट इज वाई यू कॉल देम कैटेकोलोमाइन कैटेकॉल इज अ केमिकल तो उससे ये बने होते हैं इसलिए उसको हम कैटेकोलोमाइन बोलते हैं और जो फंक्शंस हैं जिनरली के इट इज़ जस्ट लाइक अ सिंपैथोमेटिक फंक्शन होते हैं इसके तो बायोलॉजिकल जो इसका इम्पैक्ट है वो जैसे सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम का होता है वैसे होता है तो अब उसमें क्या क्या चीज़ें आती हैं दिट इंक्रीज द रेट ऑफ हार्ट बीट तो हार्ट बीट को इनक्रीज़ कर देता है एंड तो जब हार्ट बीट इंक्रीज़ होती है तो कार्डियक आउटपुट इंक्रीज़ होता है तो इंक्रीज़ बीपी आप कह सकते हो इंक्रीज़ बी पी ब्लड प्रेशर को वो इंक्रीज कर देता है इंक्रीज़ बी एम आर बी एम आर मैंने कल आपको बताया था बेसल मेटाबोलिक रेट तो बेसल मेटाबोलिक रेट इंक्रीज करता है इंक्रीज शुगर लेवल इन ब्लड बाई स्टिमुलेटिंग और यू कैन कैसे बाई बाई द प्रोसेस ऑफ ग्लाइको जिनोलिसिस इन लीवर द प्रोसेस ऑफ ग्लाइको जिनो लिसिस इन लीवर तो उससे शुगर लेवल ब्लड में इंक्रीज होता है रेस्परेशन रेट इंक्रीज़ होता है फैट फैट का जो ब्रेकिंग है लाइपोलिसिस एडिपोस्ट टिश्यू में करता है लाइपोलिसिस मीन्स फैट फैट का टूटना ब्रेक करना एंड प्यूपल को डायलेट करता है हमारी आइज़ को दैट मीन्स इट प्रिपेयर्स योर बॉडी फॉर डिफरेंट काइंड ऑफ इमरजेंसी सिचुएशंस क्योंकि ब्लड सप्लाई का इंक्रीज हो जाना हार्ट uh, बीट का इंक्रीज़ हो जाना स्केल्टल मसल्स में जो है वो उनको वैसो डायलीट कर देना दैट मीन्स उनमें ब्लड ज़्यादा आने लगना स्टिमुलेट करना स्प्रीन को सो दैट इट रिलीज एंड स्टोर्ड वेरिस काइंड स्टोर्ड ब्लड ऑल्सो एंड पाइलो इरेक्शन पाइलो इरेक्शन मीन्स जैसे आप कहते हैं ना कि डर के मारे रोएं खड़े हो गए तो उसको बोलते हैं पाइलो इरेक्शन सो इन जनरल ये सारी चीज़ें कब होती हैं कि आपकी आँखें एकदम प्यूपिल uh, जो हैं वो डायलेट हो जाए हार्ट बीट आपकी बढ़ जाए बाल आपके जो हैं बॉडी के वो खड़े हो जाए बिल्कुल तो जब आप डर जाते हो किसी सिचुएशन को देखकर बहुत ज़्यादा घबरा जाते हो स्ट्रेस में आ जाते हो तो वो जो सिचुएशन होती है अगर सडनली कोई एक्सीडेंट या कुछ हो जाए और एकदम से आप जो घबराहट होती है और जिस तरह से बॉडी आपकी हो जाती है शेकी की स्वेट आने लगता है बहुत ज़्यादा सांस तेज चलने लगती है वो सब इस तरह के सिम्टम्स यू कैन रियलाइज़ इट तो दैट मीन्स इन जनरल एडिनलीन प्रिपेयर्स द बॉडी टू फेस द इमरजेंसी कंडीशन ऑफ फिजिकल एंड इमोशनल स्ट्रेस चाहे आपको मेंटली बहुत घबराहट हो रही है या आपने फिजिकली आपको एक्सीडेंट हो गया चोट लग गई सडनली कुछ ऐसा हो गया तो उसके लिए आपकी बॉडी को ये प्रिपेयर करती है लाइक फॉरिन ब्लड प्रेशर मस्कुलर इक्शन पेन कोल्ड इंजरी एंगर फियर ये सब जो फीलिंग्स हैं उस समय ये वाला हार्मोन जो है आपकी बॉडी से रिलीज होता है चाहे आप बहुत डर गए हों या आप बहुत गुस्से में हों लड़ रहे हों कहीं बहुत तेज तेज तो सो एपी इज़ आल्सो कॉल्ड एज इमरजेंसी हार्मोन और हार्मोन ऑफ फाइट और फ्लाइट भी इसको बोल सकते हैं फाइट मीन्स आइदर इट प्रिपेयर यू फॉर फाइट द सिचुएशन कि आपको उससे फाइट करना है तो उसके लिए भी आपकी बॉडी में अलग तरह के रिएक्शंस होंगे और या फिर फ्लाइट करना है मींस भाग जाना है सिचुएशन से तो उसको भी बॉडी डिफरेंट काइंड्स के जो है वो प्रिपेयर करती है आपकी बॉडी तो दैट्स वाई यू कॉल्ड देम दीज दैट्स ग्लैंड्स ऑफ इमरजेंसी हार्मोन्स और अगर हाइपर एक्टिविटी हो जाती है एड्रीनलिन की तो हाइपर टेंशन हाई ब्लड प्रेशर हो जाता है एंड विच में ऑल्सो लीड टू डेथ ऑफ द पर्सन सो नॉर एड्रीनलिन के बारे में अगर बात करें तो इट इज़ ऑल्सो रिजेंबल्स टू एड्रीनलिन इन इट्स बायोलॉजिकल इफेक्ट एक्सेप्ट दैट इट ऑपरेट्स ड्यूरिंग नॉर्मल स्टेट क्योंकि दोनों में फ़र्क क्या है अब एक बार आप घबरा गए बहुत तेज़ आपकी हार्ट बीट हो गई आँखें आपकी ऐसे खुली हो गई तेज़ बड़ी बड़ी और आपकी जो भी सिचुएशंस आ गई स्वेटिंग बहुत हो रही तो ये दिस सिचुएशन इज़ नॉट गोइंग टू अगर फॉर अ लॉन्ग टाइम बहुत टाइम तक तो आप ऐसे नहीं रहते हो आफ्टर टाइम्स यू विल कूल डाउन आप शांत होते हो आपका वो, सब कुछ नॉर्मल आता है तो वो नॉर्मल लाने का काम यानी कि का अपोजिट काम कर का, का काम कौन करता है नॉन एड्रिल या नॉन एपीनफ्रीन करता है तो दैट मीन्स इफ एडीनरिन वर्क्स इन द इमरजेंसी कंडीशन और स्ट्रेसफुल कंडीशन नॉर एडिनरीन वर्क्स इन टू द नॉर्मल कंडीशन एंड ब्रिंग बैक योर बॉडी टू द नॉर्मल कंडीशन मतलब अगर वैसे ही रहे उतनी घबराहट और उतनी ही टेंशन आपकी बॉडी में और वैसे ही सब कुछ चलता रहे तो पीपल कैन डाई तो उसको नॉर्मलाइज़ करना भी तो ज़रूरी है तो उसके इफेक्ट को कम करने का काम सपोज़ बीपी को कम करने का काम जो आपके डर के मज़े ग्लूज पाइलो एक्शन हो गया या जैसे आप कहते तो गूज बम्प आ जाते हैं बाल खड़े हो गए और आपका वाइसो डाइलेटर हो गया हार्ट बीट जो है वो बढ़ गई स्वेटिंग बहुत ज़्यादा आने लगी तो ये सब चीज़ें नॉर्मलाइज करने का काम भी तो करेंगे तो उसको नॉर्मलाइज़ करती है और आपकी बॉडी को वापस से रूटीन में जैसे हमारा नॉर्मल होता है उस तरीके से ले आती तो दिस इज़ द फंक्शन ऑफ बोथ तो यू कैन से दैट बोथ वर्क्स अपोजिट टू इच एक दूसरे को अपोजिट uh, एक तरह से आप कह सकते हैं कि ये काम करता है तो जो एड्रियल uh, ग्लैंड है दिस इज ऑल अबाउट इट आई थिंक आप इसको समझ गए होंगे ईजिली नाउ कम टू द नेक्स्ट ग्लैंड दैट इज कॉल्ड पैंक्रियास पेंक्रियाज इज मोस्ट यू कैन से कॉमन ग्लैंड विच वी हैव स्टडीड इन द टेंथ स्टैंडर्ड तो हम इसको बहुत यू आर वेरी मच फैमिलियर विद दिस ग्लैंड एंड दिस ग्लैंड इज हेटरोइम ग्लैंड आई हैव ऑल्सो स्टडीड यू दैट वॉट इज द मीनिंग ऑफ हैटरोइन हैटरोइन मीन्स द ग्लैंड विच हैव बोथ काइंड ऑफ इफेक्ट दैट मीन्स वो एंडोक्राइन भी है और वो एक्जोक्राइन भी है तो दिस इज नोन एज हैटरोइन ग्लैंड दोनों तरह की हॉर्मोन्स भी निकालती पैंक्रियाल ऑल नो एंड ये uh, एंजाइम्स भी जो है वो रिलीज करती है एंड पैंक्रियाज ग्लैंड का वो पार वो पार्ट वो हिस्सा जो केवल हार्मोन से करता है दैट इज कॉल्ड आइल्स ऑफ लैंगर हैंस इन द डायग्राम यू कैन सी इट इज़ द डायग्राम ऑफ आइल्स ऑफ लैंगर हैंस तो ये जो सेल्स हैं एफ सेल और ये गामा सेल बीटा सेल एल्फा सेल इट इज़ रिटर्न हेयर तो डिफरेंट काइंड ऑफ सेल्स हैं यहाँ पर लिखे हुए तो so, ये सारे जो एरिया यहाँ पर दिख रहा है दैट इज़ कॉल्ड एज ये जो भी एरिया ये दिस इज ऑल नोन एज आइल्स ऑफ लैंगर हैंस लैंगर हैंस इज़ द नेम ऑफ बायोलॉजिस्ट उनके नाम पर है क्योंकि उन्होंने डिस्कवर किया था इसको जो ये यह यहाँ पे वर्ड लिखा हो आइल्स ऑफ लैंगर हैंस तो जो टोटल पैंक्रियाज है उसका वन टू टू परसेंट जो है पैंक्रियाज का दैट इज एंडोक्राइन इन नेचर एंड इट हैज़ डिफरेंट काइंड ऑफ सेल्स एज यू कैन सी अल्फा सेल बीटा सेल गामा सेल आप देख रहे हैं एंड ग्लूकेगन एंड इंसुलिन इज अ मोस्ट कॉमन विच वी हैव हर्ड द नेम ऑफ इट सो एल्फा सेल सिक्रीट्स हारमोन ग्लूकेगॉन दिस वन अल्फा सेल ये ग्लूकेगॉन सिक्रीट करती है एंड दिस बीटा सेल दिट सिक्रेट इंसुलिन तो ये वाली ग्लैंड जो है वो इंसुलिन सिक्रीट करती है तो अब ग्लूकेगन इज अ पेप्टाइड हार्मोन एंड इट प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल इन मेंटेनिंग योर नॉर्मल ब्लड शुगर लेवल और दोनों ही अगर हम बात करें ग्लूकेकॉन एंड इंसुलिन दे बोथ मेंटेन और यू कैन से दे बोथ रेगुलेट द ग्लूकोज मेटाबोलिज्म इन योर बॉडी सो ग्लाइकोजन एक्ट्स मेनली ऑन द लिवर सेल्स लीवर सेल्स आर नोन एज एंड स्टिमुलेट्स द ग्लूकोजिनोलिसिस उसको वो स्टिमुलेट करती है एंड ऑल्सो दिस हॉर्मोन स्टिमुलेट द प्रोसेस ऑफ ग्लूको नियोजेनेसिस विच ऑल्सो कॉन्ट्रीब्यूट टू हाइपरग्लाइसिमिया तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस व्हाट आई एम टेलिंग टू यू कि जो दोनों हैं ग्लूकेगॉन एंड इंसुलिन वी ऑल नो दैट इंसुलिन का काम क्या होता है इंसुलिन का काम होता है आपके ब्लड शुगर लेवल को कम करना तो so उसका अपोजिट काम कौन करता है ग्लुकेगॉन ग्लूकेगॉन आपके बॉडी में शुगर लेवल को इंक्रीज़ करता है दैट मीन्स दे बोथ वर्क अपोजिट टू इच अदर और इस तरह के हॉमोन्स को हम क्या बोलते थे अगेन एंटागोनेस्टिक आई हैव टोल्ड यू अरलियर दिस वर्ड एंटागोनेस्टिक सो इंसुलिन इज अ एल्च एंड ग्लूकेगॉन बोथ आर एंटागोनेस्टिक टू ईच अदर देर इज ऑल्सो गामा सेल इज गिवेन हेयर दीज सिक्रिट्स पेंक्रोटिक पॉलीपेप्ट बेसिकली तो इनका कोई खास फंक्शन तो नहीं है पर इन दोनों का है और पेंक्रोटिक हार्मोन जितने भी हैं दे ऑल आर पॉलीपेप्टाइड हॉर्मोन तो वट इज द फंक्शन ऑफ इंसुलिन सपोज इंसुलिन से हम अगर स्टार्ट करें बिकॉज इट इज मोस्ट कॉमन

देंस ऑफ डायबिटीज़ तो डायबिटीज़ होने से रोक लेता है क्योंकि ब्लड शुगर को मेंटेन कर लेता है तो so, इसलिए ये एक एनाबोलिक हार्मोन माना जाता है कैटाबोलिक एनाबोलिक दो आपने वर्ड सुने होंगे तो दिस इज मेन एनाबोलिक हार्मोन एंड बीटा सेल्स ऑफ आइल्स ऑफ लैंगर हैंड सिक्रीट्स दिस हारमोन एंड इंसुलिन इज़ स्टिमुलेटेड बाई हायर ग्लूकोज लेवल इन योर ब्लड जब भी आपके ग्लूकोज ब्लड लेवल आपके ब्लड में ग्लूकोज लेवल ज़्यादा होता है तो बॉडी में अगर आप नॉर्मल हैं तो इंसुलिन सिक्रीट होता है और वो Uh, सारे ब्लड को सॉरी सारी शुगर को जो है ब्लड में उसको वो प्रॉपर तरीके से डाइजेस्ट करता है या आप कह सकते हो रेगुलेट करता है तो नॉर्मल लेवल आपके जो बॉडी है उसमें सिक्सटी टू हंड्रेड एम जो है वो पर एमल होना चाहिए ये ब्लड के अंदर और ये सारा कुछ इनकी वजह से होता है अगर ये नहीं निकलता है हमारी बॉडी के अंदर तो जो शुगर है हमारी बॉडी में रह जाती है तो हिपेटोसाइड सेल्स ऑफ लीवर लीवर की सेल्स को हिपेटोसाइड्स बोलते हैं एंड मसल्स ऑफ एडिपोसाइट मतलब जहाँ पर फैट एडिपोज टिश्यू से बना हुआ है फैट जहाँ पर डिपॉजिट होता है वो सब इसको हेल्प करते हैं क्योंकि इंसुलिन एक्ट करता है इन तीन टारगेट ऑर्गन पर व्हाट आर द थ्री टारगेट ऑर्गन हिपेटोसाइट सेल्स ऑफ लीवर मसल्स एंड एडिपोसाइट सेल्स ऑफ ज को क्या करेगा क्योंकि आपकी बॉडी से ग्लूकोज को कम करना है सो so दैट आपका ब्लड लेवल में ग्लूकोजा ना रहे तो ग्लूकोज को फिनिश करने का कैसे काम करेगा ग्लूकोज के यूज को वो बढ़ा देता है कैसे रेस्पिरेटरी फ्यूल के फॉर्म में अगर रेस्परेशन होना है तो आपको पता है कि आपका फूड पहले ऑक्सीडाइज़ होगा तो वो ग्लूकोज को ऑक्सीडाइज करना शुरू कर देता है जिससे कि ग्लूकोज आपकी बॉडी में कम हो जाएगा ऑल्सो स्टिमुलेट्स द मैंने आपको एक वर्ड अभी लिया था ग्लाइकोजेनेसिस स्टिमुलेट्स द गाइको जेनेसिस जेनेसिस मीन्स फॉर्मेशन एंड ग्लाइको मीन्स ग्लूकोज तो ग्लूकोज को कन्वर्ट करता है ग्लाइकोजन में अगर एक्स्ट्रा ग्लूकोज है आपके शुगर में तो इट कन्वर्ट द ग्लूकोज इंटू ग्लाइकोजन एंड स्टोर्ड इन टू द मसल सेल्स एंड लीवर तो लीवर एंड मसल्स में उसको डिपॉजिट कर देता है ग्लाइकोजन में कन्वर्ट करके ग्लूकोज को आपके ब्लड से निकाल के एंड प्रिवेंट ग्लूकोनियोजेनेसिस और अगर कोई ब्रेकडाउन होकर के प्रोटीन वगैरह शुगर बनना चाहें तो उनको वो रोकता है नहीं होने देता है एंड ऑल्सो कन्वर्ट द एक्सेस ऑफ ग्लूकोज इंटू फैट्स उसको बोलते हैं लिपोजेनेसिस लिपो मीन्स होता है फैट तो लिपोजेनिस भी करता है अगर ज़्यादा शुगर है तो उसको क्या करता है फैट में कन्वर्ट कर देता है हम जब ज़्यादा शुगर खाते तो हम फैट हो जाते हैं ना तो कैसे हो जाते हैं इसी वजह से हो जाते हैं क्योंकि इफ आवर बॉडी हैज़ एक्सेस ऑफ ग्लूकोज इट कन्वर्ट्स इट इन द फैट उसको स्टोर कर देता है एंड ऑल्सो प्रिवेंट द फॉर्मेशन ऑफ कीटोन बॉडीज इन योर ब्लड तो आपके बॉडी में कीटोन बॉडीज को भी ये कम करता है कैसे कम करेगा बिकॉज इट प्रिवेंट्स फॉर्मेशन ऑफ कीटोन बॉडीज इन ब्लड एज रिड्यूस द रेस्परेटरी ब्रेक डाउन ऑफ फैट तो फैट को नहीं ये यूज़ करता है एज अ रेस्परेटरी फ्यूल ये ग्लूकोज को यूज़ करता है सो so दैट ग्लूकोज जो है आपकी बॉडी से निकल सके कम हो सके और अगर हाइपोएक्टिव हैं और डिजेनरेट हो गई हैं बीटा सेल्स डिजनरेट मीन्स फिनिश हो रही हैं खत्म हो रही हैं और अगर हाइपोएक्टिव हैं काम नहीं ठीक से कर रही हैं या डैमेज हो रही हैं किसी वजह से तो जो डिफिशियंसी हो जाएगी दैट मीन्स इंसुलिन नहीं सीक्रेट होगा और इंसुलिन नहीं सीक्रेट होगा देन वी विल सफ़र फ्रॉम द डायबिटीज़ तो फिर हम लोग को डायबिटीज़ डिजीज़ जो है वो हो जाती है एंड हाइपरग्लाइसीमिया अगर शुगर लेवल बढ़ जाता है हमारी बॉडी के अंदर बहुत ज़्यादा बहुत ज़्यादा थोड़ा बहुत नहीं बहुत ज़्यादा अगर इंक्रीज हो, तो like हो जाता है तो देर आर सर्टेन प्रॉब्लम्स आल्सो लाइक डाई यूरियसिस मीन्स टेन टाइम्स मोर यूरिन आउटपुट हो जाता है एंड इंक्रीज़ थर्स्ट हो जाता है शुगर यूरिन में आने लगता है तो उसको बोलते हैं ग्लाइकोसुरिया व्हेन शुगर स्टार्टेड कमिंग इनटू द यूरिन तो उसको एक लिए वर्ड है दैट इज़ कॉल्ड ग्लाइको सूरिया दिस इज़ द वर्ड ग्लाइकोसूरिया जो है वो हो जाता है तो ऐसी चीज़ें जो है वो हो जाती हैं तो फिर नेचुरली ये सब चीज़ें कंट्रोल करनी होती हैं तो कंट्रोल डोज ऑफ इंसुलिन इज़ गिवन बाई द डॉक्टर्स एंड शुगर फ्री डाइट आर एडवाइजेबल क्योंकि डॉक्टर फिर इस डायबिटीज़ को कम करने के लिए क्या करता है डायबिटीज़ को कम करने के लिए डॉक्टर्स आप जो पेशेंट है उसको इंसुलिन के इंजेक्शंस देता है क्योंकि इंसुलिन बॉडी तो बना नहीं रही है तो उसको बाहर से देना पड़ेगा सो देट इट कैन डाइजेस्ट दुगर इन योर डाइट एंड डॉक्टर बोलते हैं फिर शुगर फ्री डाइट खाने को कि उसमें शुगर जो है हमने नहीं खाना तो ये डिफरेंट काइंड ऑफ जो जो डायबिटीज़ हैं वो भी होती हैं उनके भी कई टाइप्स होते हैं तो देट वॉज नॉट इन योर सेलेबस तो आई एम नॉट गोइंग टू एक्सप्लेन देट बट डायबिटीज़ इज़ ऑल्सो अ वेरी प्रॉब्लमैटिक डिजीज़ नाउ कम टू द ग्लाइक्रोजन ग्लाइक्रोजन इज़ नोन एज हाइपर ग्लाइसिमिक फैक्टर हाइपर मींस उसका ऑपोजिट मैंने बताया था काम करता हाइपर मींस एक्स्ट्रा तो सपोज हमारी ब्लड बॉडी के अंदर अगर uh, कम है शुगर तो उसका काम होता है जहाँ हमने डिपॉजिट की थी इंसुलिन ने जहाँ जा कर के डिपॉजिट करके आया था वहाँ से ब्रेक करके क्या कर देना ब्लड में छोड़ देना सपोज कर लो आपको बहुत टाइम से फूड नहीं मिला एंड यू आर फास्टिंग फॉर अ लॉन्ग टाइम विदाउट ईटिंग एनीथिंग तो ब्लड शु, शु, शुगर लेवल हमारी बॉडी में क्या हो जाएगा कम हो जाएगा या हमने शुगर बिल्कुल खाना बंद कर रखा है मतलब मीठी चीज़ें खानी बिल्कुल ही छोड़ रखी हैं तो हमारी बॉडी में ब्लड शुगर लेवल बहुत कम हो जाएगा और शुगर इज द मेन सोर्स ऑफ एनर्जी तो उसका कम होना या बिल्कुल भी ना होना भी प्रॉब्लमेटिक हो सकता है तो अगर ये सिक्रीशन इसका कम हो गया किसी भी रीजन की वजह से तो ग्लूकेगन का काम होता है कि वो इंक्रीज कर दे शुगर लेवल को ब्लड को बाय प्रमोटिंग ग्लाइकोजिनोलिसिस दैट मीन्स ब्रेकिंग ऑफ ग्लाइकोजन एंड कन्वर्टिंग इट इनटू ग्लूकोज तो ग्लाइकोजन को तोड़ के जो कि लीवर सेल में स्टोर किया था आपने उनको सबको ब्रेक करके ग्लूकोज को ये आपके ब्लड में मिला देता है तो इंक्रीजिंग ग्लूकोनियोजेनिस एनहेबिटिंग द कन्वर्जन ऑफ ग्लूकोज टू लैक्टिक एसिड ये सारे उपाय जो है वो करता है ग्लूकेगॉन हारमोन सो दैट द शुगर लेवल विल इंक्रीज इन योर बॉडी तो दिस इज ऑल अबाउट द ग्लैंड दैट इज कॉल्ड पैंक्रियाज एंड पैंक्रियाज ग्लैंड इज एज आई ऑल टोल्ड यू दैट यू हैव टू रिमेंबर इट ऑल्सो सीक्रीट सर्ट इन हारमोन आल्सो बट बिकॉज वी हैव स्टडीड हेयर Uh, मतलब क्यों पढ़ रहे हैं इसको ड्यू टू द एंडोक्राइन ग्लैंड के फॉर्म में पढ़ रहे हैं तो दैट्स वाई वी आर नॉट डिस्कसिंग अबाउट एंजाइम्स ओवर हियर तो इसलिए हम एंजाइम्स को यहाँ पर डिस्कस नहीं कर रहे हैं बट इट इट्सट्स एंजाइम्स एज वेल सो इट इज़ ऑल अबाउट द ग्लैंड पैंक्रियाज